आइए जानते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए क्या टिप्स चाहिए। जी हाँ, फॉर द हेल्थ कॉन्शियस पीपल, जिन्हें हेल्थ प्यारी है, हेल्थ अच्छी लगती है। एंड सो नाउ आई वांट टू आस्क मैडम, यू हैव कम फॉर द इवनिंग वॉक, सो दिस इज अ प्रोग्राम फॉर द हेल्थ कॉन्शियस पीपल, सो व्हाट टिप्स वुड यू लाइक टू गिव टू द पीपल हु आर वॉचिंग यू? Should I speak in Hindi or English? Hindi, English, any language. दो टिप्स तो यही है कि वॉक कीजिए, लाइक गो टू जिम, सम एक्सरसाइज एंड एक टाइम वॉक कीजिए एंड ईट हेल्दी फूड। Yeah. Okay. Thank you. This is the lane, you know, where people go for walking and roam around. It's in Belapur. You have come for the walk, in the evening walk. So, could you give our viewers कुछ tips दे सकते हैं आप health को अच्छा रखने के लिए? Yeah, first of all, wake up on time, sleep on time. Yeah. Have proper food. I would not recommend avoiding junk food. Okay. Okay. You can have it, but not regular. And apart from that, if you get enough time to come here and have a walk for like half an hour, that's enough. But you have to do it regularly. Regularly, yeah, that's main thing. Okay. If you come here with all your work, apart from all your work, half of your job is done. Because coming here is a big deal. Yeah. And after that, if you're done with it, you can spend some time, you can walk, you can run, and then you can go back to your regular work. Oh, thank you. क्या टिप्स देना चाहोगे जैसे कि आप वॉक के लिए आए हो तो? यही दूंगा कि कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करो या वॉक करो, किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करो। जी। बर्न योर कैलोरीज, इट विल बी गुड फॉर यू। जी, दैट्स इट। थैंक यू सो मच सर। अच्छी हेल्थ के लिए एक सीनियर सिटीजन को क्या करना चाहिए सर? सीनियर सिटीजन को पहले खाना तो कम खाना चाहिए। जी। टाइम टाइम से खाना चाहिए। जी। डिनर 7 बजे के पहले खा लेना चाहिए। जी। अगर आपको मिठाई खाने का शौक है तो ब्रेकफास्ट में खाओ और डिनर में मत खाओ। जी। और वॉकिंग खूब करो। वॉकिंग खूब जितना कर सकते हो। जी। वॉकिंग करना जरूरी है। वॉकिंग करना बहुत जरूरी है। जी। दवा खाने से अच्छा है वॉकिंग। जी। और अगर आपको एक्सरसाइज योगा करने की हैबिट है तो वो भी करो। जी। तो बहुत अच्छा लगा सर आप लोगों से मिलके, एक नई स्पिरिट, एक नई स्पिरिट जागती है। जी। रोज 10-10 किलोमीटर चलो। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हेल्थ के लिए क्या टिप्स देंगे सर आप? हेल्थ के लिए सबसे पहले आपको सुबह 5 बजे से पहले उठना चाहिए। जी। 5 बजे से उठने के बाद फ्रेश होकर के मॉर्निंग में आपको टहलना बहुत ज़रूरी है। जी। सुबह शाम को नहीं तो सुबह 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 शाम अगर टहलें तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया है। दूसरा, आजकल रामदेव जी ने जो स्वास्थ्य के बारे में हिंदुस्तान को जो जागृत किया, प्राणायाम, योगा प्राणायाम के बारे में, इसके बराबर कोई कर नहीं सकता। थोड़ा सा समय मिले तो योगा करना चाहिए और मेडिटेशन भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। जो आजकल के इस बिजी लाइफ में इंसान को अपने स्वास्थ्य के लिए समय निकालना अत्यंत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने सर, बिजी लाइफ में अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। खान पान सही रहे। जी। घूमने फिरने के अलावा आपका खान पान भी बहुत ज़रूरी है आपका स्वस्थ रहने के लिए, अदरवाइज आप डॉक्टरों के शेल्टर लेके आप घूमते रहोगे। जी। अच्छी हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए इंसान को? टाइम नहीं है तो वॉक पे जाओ। वॉक पे जाओ, थोड़ा एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करो। एनी फूड? फूड के लिए नहीं, फूड के लिए मैं कुछ नहीं करती। यहाँ पे एक्सरसाइज करने वॉक के लिए आते हो? जी हाँ, मैं वॉक के लिए आता हूँ यहाँ। जी। और यहाँ ये हमने इसको जन्नत बनाया है। जी। ऑक्सीजन सिलेंडर है ये। जी। जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। जी सर, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम विष्णु खंडेलवाल है। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले? मैं यहीं का रहने वाला हूँ, 7 साल से हम लोग इसको सींच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, पौधे बड़े हो गए हैं। जी, तो आप लोग की मेहनत रंग ला रही है और हमारी उम्र भी उतनी बढ़ गई है। जी, बहुत अच्छी बात है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो खान पीन है हमारा, जी, उस पर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। जी। खाने के बाद कम से कम 15 मिनट टहलना ही चाहिए। जी। और खाने के अंदर कोशिश करिए कि वेज ही खाएं। जी। क्योंकि नॉन वेज तो हम जब खाते थे जब हम इंसान नहीं थे। जी। जब हमें जागृति नहीं थी। आज तो फूड अवेलेबल है, तो जो खाने की चीज़ें हैं वो खाइए आप। अगर ताकत के लिए भी खाना है तो पिस्ता बादाम आप खा सकते हैं या और दूसरी चीज़ें खा सकते हैं। और मेरा एक सबसे बड़ा पेन है कि हमारे इस एरिए को
जिसका नाम है बेलापुर, उसको बेवड़ापुर बना दिया गया है। सरकार से उम्मीद करते हैं कि बेवड़ापुर को भी थोड़ा सुधार करे, बिल्कुल, यहाँ के रहवासियों को थोड़ा सा आराम मिले और वो अच्छी जिंदगी जैसा जीना चाहते हैं, जैसा देश को बनाना चाहते हैं, वैसा हमारा शहर को भी बना। बहुत अच्छी बात कही सर आपने, बेवड़ा पुल पुर, और बिल्कुल आपका जो बगल का जो नेबर है खारघर, वो तो लिटर में नहीं है, खारघर में नहीं है। हाँ, और तो वहाँ से भी सारा ट्रैफिक मुझे लगता है यही आ जाता है, यही है, पूरा बॉम्बे का ट्रैफिक भी यहाँ आता है। जी 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 जी, तो यहाँ जितनी आजादी उतनी आजादी कहीं नहीं है। जी जी जी, और यहाँ पर जो काम नहीं होने चाहिए वो सब होने शुरू हो गए। अच्छा, मतलब जो गर्ल्स के काम है, अभी हम रोज सुबह यहाँ आते हैं, हमें यहाँ करीब 40-50 बॉटल्स और गिलास पड़े हुए मिलते हैं, जो रात को रिक्शे वाले लड़कियों को लेके आते हैं यहाँ पर, और लड़के उनके साथ बैठ के मस्तियाँ करते हैं, तो उनकी सबकी गंदगी हमको सुबह साफ करनी होती है। तो यहाँ पे पुलिस सराउंड नहीं मारती है? पुलिस तो सब आपको मालूम है, हम तो 2 साल से कोशिश कर रहे हैं सीसीटीवी लग जाए, और चीजें भी लगे, लेकिन पुलिस की अपनी भी जिम्मेदारियां हैं, और यहाँ बीट लगाने की बात भी हुई थी लेकिन आज तक लगी नहीं है। देखते हैं जी, प्रशासन ने इस वक्त इस तरफ ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। हम कोशिश भी कर रहे हैं, हम मिले भी हैं बहुत बार जी, कमिश्नर साहब से भी मिले हैं, पुलिस कमिश्नर से जी। उन्होंने कहा ये एक्साइज डिपार्टमेंट का काम है, हमारा काम नहीं है जी, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं तो पहले ही वहाँ पर था नागपुर में, मेरे ऊपर बहुत सारे केस चल रहे हैं, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये एक्साइज का काम है जी, ये प्रॉब्लम्स है हमारी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ये प्राणायाम कर रहे हैं, योगा की एक मुद्रा में बैठे हुए हैं। इस विषय में हम ये जानना चाहेंगे कि हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए मैडम? अच्छा डाइट होना चाहिए जी, और एक्सरसाइज रोज करनी चाहिए जी। फूड में जैसे मैं मानती हूँ कि बिफोर 8 o'clock डिनर हो जाना है जी, और रात को जितना चाहे कम कार्बोहाइड्रेट्स खाएं जी, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा ऐड करें, प्रोटीन्स, अगर नॉन वेज नहीं खाते तो वेजिटेबल में भी बहुत प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स ज़्यादा इंक्लूड करें। 1 लीटर 2 आदमी के लिए, और डेली वॉक, जैसे आप लोग डेली वॉक करना चाहिए, स्ट्रेचिंग भी करनी चाहिए, सिर्फ वॉक से नहीं होता है, क्योंकि मसल्स को बराबर स्ट्रेच करनी चाहिए जी। थैंक यू सर। और कुछ भी कर लो, स्ट्रेस फ्री जिंदगी जीना की कोशिश करनी चाहिए जी, बिना स्ट्रेस नहीं आएगा, बहुत अच्छे, स्ट्रेस फ्री होना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी हाँ, स्ट्रेस मत लीजिए और स्वस्थ रहिए। और हाँ, बहुत अच्छा कहा कि हमारे बेलापुर को बेवड़ापुर मत बनाइए। जी हाँ,